फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, जिसमें हम बात करेंगे ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस होता क्या है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ई गवर्नेंस की मीनिंग्स को, टाइप्स को, पिलर्स को, पर्पस देखेंगे ई गवर्नेंस का, बेनिफिट देखेंगे, स्कोप देखेंगे और लास्ट वन में ई गवर्नेंस अंडर आईटी एक्ट क्या कहता है वो सब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है ई गवर्नेंस? इज द एप्लीकेशन जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उसमें है, टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू ब्रिंग अबाउट स्मार्ट क्या, स्मार्ट मॉरल अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। इसमें होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट से कोई भी इस तरीके का कोई प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट या सिटीज़न, गवर्नमेंट या बिजनेसमैन के बीच में है, तो ये जो प्रोसेस टू डील है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, ई पोर्टल पे होती है, तो ये ई गवर्नेंस या फुल फॉर्म में अगर कहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस उसको बोलते हैं। एन एग्जांपल जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो ये सब क्या है, ये ई गवर्नेंस की एग्जाम्पल हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोसीजर है वो डील करती है सिटीजन्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ या बिजनेसमैन के साथ, तो वो जो गवर्नमेंट और इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो ई गवर्नेंस के ही थ्रू होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के थ्रू ही होता है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या ये कहें कि बढ़ रही है, डे बाय डे इनहेंस हो रही है, तो इसीलिए ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक पर्पस की अगर बात करें तो बेसिक पर्पस ई गवर्नेंस का इज़ अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस है फॉर ऑल, सबके लिए, ऑल इसलिए कि वो गवर्नमेंट के, सिटीजन्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक्सेट्रा, एट नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यहाँ पे फोर पिलर की बात करते हैं जिस पिलर पर ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, तो नंबर वन प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है प्रोसेस, नंबर टू पीपल, नंबर थ्री टेक्नोलॉजी और नंबर फोर रिसोर्सेज। ये फोर पिलर हैं ई गवर्नेंस के, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स क्या, तो ई गवर्नेंस के जो टाइप हैं वो चार तरीके से हैं। चार तरीके से कैसे, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लाइक या तो वो लोकल लेवल पे भी हो सकता है, आइदर लोकल और स्टेट लेवल पे। गवर्नमेंट टू सिटीजन लाइक गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, जिस तरीके से हम पोर्टल पे जाके टैक्स पे करते हैं या अपना आधार कार्ड ये सब करते हैं, तो ये क्या है, ये सब ई गवर्नेंस के अंडर में है। और गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेसमैन लाइक टेंडर वगैरह हो गया, ट्रेड वगैरह हो गया, तो ये सब डिस्कस करना कि किस तरीके से ग्रो करना है, तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन के उस पर आ गया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो वो होता है लाइक जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, फीस वगैरह पे करना, इस तरीके का, तो ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के बीच में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस और ई गवर्नेंस, पर्पस क्या है, तो बेसिक पर्पस ई गवर्नेंस का ये है सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर ऑल, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस एक्सेट्रा। दूसरी बात यह कि प्रमोट करता है गुड गवर्नेंस इज टू, इट्स कैन नॉट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस हो। थर्ड वन बात करते हैं, प्रोवाइड करता है एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, डिस्क्रिमिनेशन टू इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इन अ क्विक एंड इफेक्टिव मैनर। सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट से आपका कम्युनिकेशन क्विक रहता है, साथ में एक इफेक्टिव मैनर में रहता है। स्कोप की बात करें कि स्कोप भाई किस किस के लिए है ई गवर्नेंस, तो चाइल्ड के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, यूथ के लिए जैसे आप और हम, इनके लिए भी है, फैमिली पर्पज से भी है और ओल्ड एज से भी है। वो कैसे हम आगे डिस्कस करते हैं, लाइक जैसे इसको ना एक चार्ट के टेबल के फॉर्म में बनाया हुआ तो ये ईजी रहेगा। चाइल्ड के लिए कैसे, लाइक जैसे अगर बच्चा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, हेल्थ केयर है, जिस तरीके से काफ़ी सारे टीके लगते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सब गवर्नमेंट पोर्टल पे होता है, तो ये एक ई गवर्नेंस के लिए, मतलब ई गवर्नेंस के अंडर में ये, और बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के लिए सही है। स्टूडेंट की बात करें तो स्कूल एडमिशन है, ई लर्निंग है, एग्जामिनेशन है, रिजल्ट है, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, तो वो सब क्या है, वो सब ऑनलाइन पे ही होता है, सब कुछ पोर्टल पे ही होता है, तो ये ई गवर्नेंस ही है। और कई बार हमने देखा होगा कि जैसे बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए होता है तो कई बार पोर्टल पे दे देते हैं कि भाई आपको बच्चों को अगर होगा स्कॉलरशिप वगैरह, तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ की बात करें तो लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया, जिस तरीके से फॉर्म निकलते हैं, और पासपोर्ट वगैरह हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, आपका आधार कार्ड तो खैर बच्चों के लिए, बट आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया,
तो ये क्या है, ये यूथ वगैरह के लिए है। अब फैमिली की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया, टैक्सेस, घर का टैक्स है, बिजली का बिल है, यूटिलिटी सर्विसेज वही है, बिजली का बिल या पानी का बिल, ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल ओल्ड एज की, तो पेंशन, हेल्थ केयर, डेथ सर्टिफिकेट, तो ये सब क्या है, ये ई गवर्नेंस ही है, गवर्नमेंट के ई पोर्टल पे ही होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस, तो बेनिफिट क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। सीधी सी बात है, कॉस्ट रिडक्शन, आप जाओगे फिर उसके बाद करोगे, तो अब क्या है कि आप घर पे बैठे बैठे ही कर सकते हो, कॉस्ट रिडक्ट हो गई है, इस बार आपको जाना आना नहीं पड़ेगा, तो कॉस्ट रिडक्शन है, ग्रेट कन्वीनियंस है, आप जब चाहे ओपन करके देख सकते हो, या आपको अगर अपलोड करना है किसी तरीके से तो आप अपने गवर्नमेंट के पोर्टल पे गए और उस तरह वहाँ फिर डाउनलोड कर लिया, ये सारी चीज़। रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पे कोई रिश्वत खोरी या इस तरीके की चीज़ें नहीं है, लेस करप्शन। सी नेक्स्ट वही आ गया, ग्रोथ इन GDP, रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी उस पर जाएंगे फिर पर्सन करेगा फिर उसके बाद उसको साइन वगैरह, तो ये सब एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ऑनलाइन बैठे सीधा गवर्नमेंट के पोर्टल पे गए तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी, इफेक्शेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, एक्सपेंड रीच ऑफ गवर्नमेंट्स, ये भी है। बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी सर्विस फॉर सिटीजन, क्वालिटी सर्विस ही है क्योंकि बीच में कोई पर्सन ही नहीं है। और एम्पावर है पीपल टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट पे आज के डेट पे क्या कि आपको अगर कोई भी कंप्लेंट है, किस तरीके का भी इशू है, तो आपको किसी भी पर्सन से कहने की जरूरत है, आप पोर्टल पे जाओगे सीधे सीधे देखोगे, अपना काम करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा है कि आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में एक तरीके से गेट टुगेदर हो जाता है, मतलब वैसा नहीं हो पाता बट वर्चुअल लेवल पे हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट वन कि ई गवर्नेंस जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में कौन कौन से एक्ट ई गवर्नेंस के अंदर में दिए हुए हैं, तो नंबर सेक्शन 4 है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉग्नाइज कर सकता है, सिंपल एक लाइन में समझ में आ रहा है, लीगल रिकॉग्नाइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देखो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। आगे बात करते हैं सेक्शन 6, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। तो 6 सेक्शन में ये है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होंगे वो गवर्नमेंट पे और उसकी एजेंसी से आपको यहाँ से इस तरीके से रहेगा। 6A बात करता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी आपको। 7th है सेक्शन 7, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिटेन करने का भी है। 7A ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रहेंगे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं। सेक्शन 8 में बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन, लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जब इशू होते हैं तो उस गैजेट्स में क्या है, मतलब पब्लिक मैटर का कोई इशू होता है या बजट आता है तो वो सब कहाँ होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ई पोर्टल के थ्रू ही, जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है उसी पे देखने को मिलता है। सेक्शन 9 की बात करें तो 6, 7, 8 में, यानी अभी तक हमने जो बात कही वो इंसिस्ट करता है डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सभी को पता है जो वर्चुअल पे क्या होता है, वेब पे जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी रिकॉर्ड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। सेक्शन 10 की बात करें तो पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगेन वही चीज़ें। 10A वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अब ये सारे जो सेक्शन हैं वो दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जो कि बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।